फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाए यहाँ से सैन फ्रैंक हिरोशिमा और योकोहामा एफसी के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी समर लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर क्या है पोजिशन। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं जापानीज लीग की जो पॉइंट्स टेबल वहाँ पर, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं हिरोशिमा सैन फ्रैंक इस लीग में 9th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें योकोहामा एफसी इस लीग में 20 पोजीशन पर है। तो गाइस हिरोशिमा इस लीग में 21 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 7 मैच तो इस टीम ने विन भी किए हैं और 9 मैच इस टीम ने ड्रॉ भी खेले हैं और 5 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं और 24 गोल स्कोर किए हैं, बल्कि 21 गोल इस टीम ने डिफेंसिव वाइज कंसीड भी किए हैं। तो गाइज 21 मैच में 24 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटैक है, प्रत्येक मैच में 1.1 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 21 मैच में 21 ही गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही पर मैच में 1 गोल कंसीड करने का एवरेज रखती है। अब बात करें यहां से जो योकोहामा एफसी है, इसने इस लीग में 21 मैच खेले जिनमें से एक ही मैच इस टीम ने विन किया, बल्कि 5 मैच इस टीम ने ड्रॉ भी खेले और 15 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं और 13 गोल स्कोर किए हैं और 51 गोल इस टीम ने डिफेंसिव वाइज कंसीड किए हैं। तो गाइज 21 मैच में 13 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटैक है, प्रत्येक मैच में 0.6 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 21 मैच में 51 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 2.4 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक 2 मैच में 1 गोल स्कोर करने का इसका एवरेज है फिलहाल के टाइम पर, लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज है। अटैकिंग वाइज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ से बेहतर मतलब बदतर इसका डिफेंसिव परफॉर्मेंस है, क्योंकि प्रत्येक मैच में इसका कॉन्स्टेबल के अकॉर्डिंग 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज निकल कर आता है। अब गाइज बात आती है कि किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम में एक फेवरेट टीम मान के चले इन दोनों टीमों में। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए यहाँ से हिरोशिमा सैन फ्रैंक को ही फेवरेट टीम मान के चलता हूँ, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, 1 गोल पर मैच स्कोर, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती हल्की टीम के सामने, इसलिए मैं यहाँ से हिरोशिमा को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइज जब बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड में, और वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में एक फेवरेट टीम होने वाली है हमारी समोर लीग टीम के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, जिनमें से हिरोशिमा ने 3 मैच तो किए हैं विन और 2 मैच खेले हैं ड्रॉ, अभी तक कोई भी मैच लॉस नहीं किया इस टीम के सामने, लेकिन 1.8 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखा है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर मैच में ही मान सकते हो कि 2 मैच में 1 ही गोल कंसीड करने का एवरेज रखती है हिरोशिमा योकोहामा के सामने। अब बात करें अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है हिरोशिमा ने, लेकिन डिफेंसिव वाइज उससे भी बेहतरीन, जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो यहाँ से हिरोशिमा इस मैच को 3-0 से विन कर गई, अटैकिंग वाइज 3 गोल किए लेकिन डिफेंस से 1 भी गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन उससे पिछले मुकाबला अगेन इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच का रिजल्ट 1-1 ड्रॉ, मतलब दोनों टीमों की तरफ से एक समान गोल हुए और डिफेंसिव वाइज भी एक समान गोल कंसीड किए गए, लेकिन उससे पिछले मुकाबले यहाँ से आप दो मैच देख सकते हो, दोनों मैच का रिजल्ट यहां से 2-0 देखने को मिला, हिरोशिमा विन की, और उससे पिछले मुकाबला अगेन इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच का रिजल्ट भी 1-1 ड्रॉ, मतलब एक समान अटैकिंग वाइज गोल हुए और एक ही समान इन दोनों टीमों की तरफ से डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड किए गए। तो गाइज हेड टू हेड में तो क्लियर कट फेवरेट यहाँ से हिरोशिमा सैन फ्रैंक ही निकल कर आती है, अटैकिंग वाइज भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कम से कम प्रत्येक मैच में 2 गोल स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती इसी टीम के सामने जब ये आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं, तो यहाँ से तो क्लियर कट फेवरेट हिरोशिमा निकल कर आती है। लेकिन गाइज बात करेंगे इन दोनों टीमों जो रिसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर कैसा परफॉर्मेंस है इन दोनों टीमों का, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं यहाँ से हिरोशिमा
सैनफ्रेक का जो रिसेंट फॉर्म उसके बारे में। तो गाइज हिरोशिमा ने रिसेंटली 6 मैच खेले जिनमें से 2 मैच विन 3 मैच ड्रॉ सिर्फ एक ही मैच लॉस किया फिलहाल के टाइम पर और 1.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखा है लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का भी एवरेज रखा है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज फिलहाल के टाइम पर कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का भी एवरेज रखती है। अब बात करें जो पिछला मैच हिरोशिमा स्वागन तासु के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आई, अटैकिंग वाइज एक गोल किया, डिफेंसिव भी एक गोल कंसीड किया लेकिन उससे पिछले मुकाबला इस टीम ने काशी और रसेल को सामने इस टीम ने 1-0 से विन भी किया और फिर इस टीम ने एक मैच जापानीज कप में 5-1 से लॉस किया और उससे पिछले मुकाबले इस टीम ने 0-0 में मैच को ड्रॉ खेला एफसी टोक्यो के सामने और उससे पिछले मुकाबले इस टीम ने 2-2 से ड्रॉ खेला, अटैकिंग वाइज 2 गोल किया, डिफेंसिव वाइज भी 2 गोल कंसीड किए लेकिन उससे पिछले मुकाबले क्रेजो ओसाका के सामने इस टीम ने 2-1 से विन किया। क्रेजो ओसाका काफ़ी अच्छी टीम है अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज भी लेकिन उस टीम के सामने भी इस टीम ने 2 गोल किए तो मतलब अटैकिंग वाइज इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है लेकिन डिफेंसिव वाइज भी आप मान सकते हो कि एक हल्की टीम के सामने गोल कंसीड नहीं करती बल्कि बेहतर टीम के सामने ही एक गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज निकल कर आता है रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग भी। अब बात करते हैं याकोहामा जो रिसेंट फॉर्म है इसके बारे में तो कैसा परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर। तो गाइज याकोहामा रिसेंटली 6 मैच खेले इसने, अभी तक कोई भी मैच विन नहीं किया बल्कि एक मैच ड्रॉ भी खेला, 5 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं, 0.3 मतलब अटैकिंग वाइज ये प्रत्येक मैच में गोल नहीं करती बल्कि 3 मैच में एक ही गोल कंसीड करने का मतलब एक ही गोल स्कोर करने का एवरेज है इसका लेकिन प्रत्येक मैच में 2.2 मतलब 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का भी एवरेज है। अटैकिंग वाइज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, उससे भी बुरा इसका डिफेंसिव परफॉर्मेंस है कि प्रत्येक मैच में 2 गोल कंसीड कर देती है। अब बात करें जो पिछला मैच याकोहामा शिमिजू एस प्लस के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आई, अटैकिंग वाइज एक समान गोल किया और डिफेंसिव वाइज भी दोनों टीमों ने एक समान गोल कंसीड किए लेकिन उससे पिछले मुकाबले विशेले कोबे के सामने इस टीम ने 5-0 से लॉस किया, फिर 1-0 से लॉस किया, फिर यहां से 2-1 से लॉस किया और फिर यहां से 2-0 से लॉस किया, फिर यहां से 2-0 से लॉस किया। तो गाइज आप देख सकते हो पिछले 6 मैच में इस टीम ने सिर्फ 2 ही गोल स्कोर किए हैं अटैकिंग वाइज और प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल इस टीम ने कंसीड किए तो इसका जो परफॉर्मेंस है आप मान सकते हो कि अटैकिंग वाइज भी कुछ खास नहीं है, डिफेंसिव वाइज भी कुछ खास नहीं है। तो गाइज अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी समाली लीग टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल देखी, फिर इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस देखे, फिर इन दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म देखी। क्या चीज़ देखने को मिलती है? तो गाइज पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग हिरोशिमा प्रत्येक मैच में 1 गोल करती है लेकिन बेहतर टीम के सामने ही 1 गोल कंसीड करने का एवरेज रखती है और याकोहामा का भी वही परफॉर्मेंस रहा कि अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाते लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल कंसीड कर देती कम से कम। लेकिन हेड टू हेड में यही चीज़ देखने को मिली कि हिरोशिमा इस टीम के सामने प्रत्येक मैच में 2 गोल करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं करती और रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग यही चीज़ देखने को मिलेगी हिरोशिमा प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर करते और 1 ही गोल पर मैच स्कोर कंसीड करते लेकिन याकोहामा जो रिसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग ये चीज़ देखने को मिली प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाते लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में 2 गोल कंसीड कर देती है। तो गाइज अब बात आती है क्या इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन निकल कर आता है। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में हिरोशिमा कम से कम 2 गोल स्कोर करना चाहिए और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि 1 गोल कंसीड भी कर सकती है। तो इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन हमने 2-1 का रखा और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच में हमारी शमाल लीग टीम है ड्रीम 11 पर वो बनाने वाले हम ड्रीम 11 पर। उससे पहले इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालेंगे हिरोशिमा सैनफ्रेक के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइज बात करेंगे यहाँ से याकोहामा एफसी के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन नहीं हो पाओगे, क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के नाम से बहुत सारे फैंक चैनल भी बन चुके हैं तो इसलिए आप सर्च करके ज्वाइन ना हो, लिंक के जरिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हिरोशिमा सैनफ्रेक के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज हिरोशिमा टीम की तरफ से फिलहाल के टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर युया अशानो जिसने 4 गोल किए फिलहाल के टाइम पर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल के टाइम पर, और जूनियर सैंटोस जिसने 4 गोल किए हैं और इस टीम की तरफ से इसने 1 गोल तो पेनल्टी में किया। तो यहाँ से पता चलता है कि जूनियर सैंटोस इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है। वहीं पर बात करें थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से कवाब है जिसने 3 गोल किए और बाकी के सारे प्लेयर्स ने 1-1, 2-2 गोल किया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना खुद की एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए, इन प्लेयर्स का रिकॉर्ड आपके लिए किफायत रहेगा शमोल लीग प्लस ग्रैंड लीग के लिए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं, यहाँ से यो अशानो और यहाँ से सैंटोस और हम यहाँ से पिक करके चलेंगे डगलेस वीरा। डगलेस वीरा क्यों? क्योंकि इस टीम की तरफ से
से पिछले सीजन का सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर और थर्ड हाईएस्ट असिस्ट टेकर था, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा अगर इसे स्टार्ट करता है तो, इसे आप अपनी टीम में पिक करके चलना ही चलना। और बाकी का आप सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीन शॉट ले लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले, इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं तो एक बार नजर डालेंगे। तो गैज असिस्ट के मामले में इस टीम की तरफ से मोरी सीमा, जो कि इस टीम की तरफ से 3 असिस्ट कर चुका और पिछले सीजन इस टीम की तरफ से सेकंड मतलब थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर था और सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर था, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इसको तो आप पिक करके चलना ही चलना। वहीं पर बात करते हैं जूनियर सेंटो, जिसको पिक करके चलना फिलहाल के लिए, हम यहां से इसको भी पिक करने वाले हैं। योयो अशानो, जिसने 4 गोल 1 असिस्ट किए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप इसे भी पिक करके चलना। और बाकी का जो भी प्लेयर्स हैं उनका सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने उनको फिलहाल के लिए टिक किया हुआ, इनको तो पिक करके चलना ही चलना। अब बात करते हैं सेकंड टीम योकोहामा एफसी के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नजर डालते हैं योकोहामा एफसी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस योकोहामा एफसी टीम की तरफ से फिलहाल के टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर क्लेबेर, जिसने 3 गोल किए हैं फिलहाल के टाइम पर, और हाकामाटा, जिसने 2 गोल किए हैं और दोनों गोल इसने हेडर में किए हैं, तो हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा प्लेयर है, आपको डिफेंसिव पॉइंट भी देगा, आप इसे पिक करके चलना ही चलना। वहीं पर बात करें तेजुका, जिसने 2 गोल किए हैं और बाकी के सारे प्लेयर्स ने एक एक गोल किया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है, यहाँ से क्लेबर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इसको हम पिक करके चलेंगे। यहाँ से हाकामाटा एक इंपॉर्टेंट रहेगा, गोल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और डिफेंसिव पॉइंट भी आपके लिए देगा, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी का सभी प्लेयर्स का आप सामने रिकॉर्ड भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में, इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते। तो गाइज असिस्ट के मामले में यहाँ से तकागी, जिसने 3 असिस्ट किए, ये आपके लिए की पास निकाल के देगा, इंटरसेप्शन टेकल का पॉइंट देगा। आप यहाँ से हाकामाटा और तकागी में किसी एक को पिक करके चलना, मैं फिलहाल के लिए हाकामाटा को पिक करके चला हूँ। वहीं पर बात करें क्लेबर, जिसने एक मतलब असिस्ट भी किया और गोल में भी इसका कंट्रीब्यूट, इस टीम तरफ से 3 गोल कर चुका, तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेयर। और बाकी का सभी प्लेयर्स ने एक एक असिस्ट किया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, हमने फिलहाल के लिए 2 गोल यहां से हिरोशिमा और 1 गोल यहां से योकोहामा रखा, और 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच में हमारी शुमार लीग टीम है ड्रीम 11 पर, तो वो देखने वाले हैं ड्रीम। नहीं तो गाइज आप अपना टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो @cricketpod, जैसे आप @cricketpod सर्च करोगे तो हमारे चैनल पर आपको 8000 प्लस का सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, 8800 प्लस के फिलहाल टाइम पर, लेकिन फैंक चैनल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और जब आप सर्च करोगे ना, ये फैंक ही चैनल सबसे ऊपर आपको सर्च करने पर दिखेंगे और हमारे चैनल सबसे नहीं चले, इसलिए तो मैंने आपसे बोला कि वीडियो को लिंक और सबसे ऊपर वाला कमेंट, इन दोनों में से किसी एक से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, यहां पर आपको फाइनल टीम हमारे जो चैनल रही वहां पर मिल जाएगी। लेकिन अगर गलती से आप इन फैंक चैनल में जुड़ गए तो कैसे पहचान करें फिर क्रिकेट पॉड की? तो गाइज ये पहचाने कि प्रत्येक पोस्ट को देखो आप, और उसमें देखो कितने व्यूज प्रत्येक पोस्ट पर आ रहे हैं। अगर आपको 2000 प्लस के व्यूज देखने को मिले तो इसका मतलब कि आप सही चैनल पर आप पहुंचे। अगर आपको 100 2 से 300 प्लस के व्यूज़ देखने को मिले तो आप समझना कि मैं भाई फैंक ही पर हूँ अभी भी। तो इसलिए आपसे बोला है कि वीडियो को लिंक और सबसे ऊपर वाले कमेंट से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको जो इस मैच की फाइनल लाइनअप रहेगी कि कौन से प्लेयर कौन से पोजिशन खेलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो लाइनअप रहेगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी और फाइनल टीम भी आपको यहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने 2-1 रखा, 2-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच में शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो एक बार नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन जूनियर सेंटोस को रख के चले हैं, और वाइस कैप्टन हमने यहाँ से मोरी सीमा को रख के चले हैं, और यहाँ से अयोमा को पिक किया, और यहाँ से योयो अशानो को पिक करके चले हैं। मतलब ये टीम सिर्फ और सिर्फ प्लेयर का बेस के अकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है फिलहाल के लिए, लेकिन जो लाइनअप आने के बाद जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। क्लेबर को पिक करके चलें हम, यहाँ से सेको को पिक करके चलें, और हाकामाटो को पिक करके चले हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और होप्स आपके पास सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी हो, लेकिन लाइनअप आने के बाद आप खुद भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जो हमारी फाइनल टीम जो प्लेयर पोजीशन वाइज की कौन से पोजीशन खेलेगा उसका अकॉर्डिंग जो टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, और लिंक से बाहर आप ज्वाइन नहीं करना, लिंक के जरिए ही ज्वाइन करना। आप यहाँ से योयो अशानो को कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन दे सकते हो, क्योंकि गोल असिस्ट इस टीम की तरफ से इसने किया है, और बाकी के सारे प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड भी था। होप्स आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाले मैच की वीडियो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। लेकिन याद रहे, सॉरी गाइस 7.8 लिख रखा है यहाँ पर, 8.8 का सब्सक्राइबर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उससे ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।